Hello everyone, today once again I have come with the basic English to advanced English part 7. That's the 7th part of a basic to advanced English and I have come with the sentences which are used in your language. और जब आपके English में अक्सर बोले जाने को sentence है, daily life में आप आते हैं. So we are going to learn 7th part of basic to advanced English. So let's get started. आप कितनी बार झाड़ू लगाते हैं? कितनी बार को हम बोलते हैं how many times? आप सुना होगा कितनी बार how many times? How many times do you sweep the floor? How many times को normally आप how many times बोलते हो, लेकिन advanced English में इसे बोला जाता है how often? How often? आप कितनी बार झाड़ू लगाते हो तो how often do you sweep the floor? तो आप आज से आप how many times को बोलेंगे how often? Advanced English में बोला जाता है how many times को बोलते हैं how often? तो एक बार तो आए sweep the floor once. दो बार लगाते हैं तो ट्वाइस, तीन बार लगाते हैं थ्राइस. तो आई स्वीप द फ्लोर ट्वाइस अ डे. अब उसमें वंस ट्वाइस थ्राइस, अब आगे हेक्टा पेंटा ऑक्सा मत कीजिएगा. वंस ट्वाइस थ्राइस ही होता है, उसके बाद में फोर टाइम्स फाइव टाइम्स सिक्स टाइम्स बोला जाता है एंड फोर टाइम्स फाइव टाइम्स. अब इसके आंसर देने कई तरीके होते हैं. बहुत ही कम रेयरली, रेयरली आई डू दिस रेयरली. ज्यादा करते हो तो आई डू इट ऑफन या वेरी ऑफन. इसके आंसर्स देने तरीके होते हैं. इसके आंसर्स के लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आप आंसर देना सीख जाएंगे. लेकिन अभी हम क्वेश्चन सीखते हैं. आपका भाई कब कब शराब पीता है या कब कब वो ऐसी पार्टीज में जाता है, कब कब या फिर कितनी बार. तो हाउ ऑफन डज योर ब्रदर टेक लिकर, हाउ ऑफन डज योर ब्रदर टेक लिकर. अब कुछ लोग बोलते हैं मैं शराब पीता हूँ कभी कभार, तीज त्योहार पे या फिर साल में एक आध बार. तो आई टेक लिकर ओकेजनली, आई टेक लिकर ओकेजनली. How often do you take liquor? You can comment below and you can let me know. How often do you attend the parties? मैं यह दवाई कितनी बार खाऊं? अब डॉक्टर पूछते अक्सर कि मैं यह दवाई कितनी बार खाऊं? तो how often should I have this medicine? यह दवाई मैं कितनी बार खाऊं? तो आप खा सकते, डॉक्टर बोल सकता हूं उनसे you should have this medicine twice a day, once a day. ऐसे सेंटेंस बना सकते हो. आप कब कब अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं? रिश्तेदार होते हैं रिलेटिव्स. तो कब कब या कितनी बार, तो हाउ ऑफन डू यू मीट विद योर रिलेटिव्स. रिलेटिव्स बोल सकते किथ एंड किन्स. हाउ ऑफन डू यू मीट विद योर किथ एंड किन्स. आई मीट विद माय किथ एंड किन्स ओकेजनली. कभी त्योहार फंक्शन तभी मिलते हैं हम लोग. तो आई मीट विद माय रिलेटिव्स ओकेजनली. या बोल सकते उसको बहुत ही कम समय बोलोगे, मतलब बहुत ही कम ना के बराबर. तो आई मीट विद माय रिलेटिव्स वंस इन अ ब्लू मून. I meet with my relatives once in a blue moon. मतलब यह है जब आसमान नीला चांद होता तब मैं मिलता हूँ. How to say? आपने उस वीडियो को कितनी बार देखा? तब बोल सकते हो How often did you watch that video? आपने वीडियो कितनी बार देखा? How often did you watch that video? आप इसे बना सकते हो. We learned here about how many times. तो आप उस how many times को how often बोलते हैं. उसी तरीके से we have one more sentence like. सर आपकी मम्मी कितने समय में खाना बनाती हैं? या आपकी मम्मी कितनी देर में खाना बना पाती हैं? तो कितना समय कितनी देर, इसे आप बोलते हो हाउ मच टाइम. इसी हाउ मच टाइम को हम जैसे आप सेंटेंस बनाओगे सिंपली हाउ मच टाइम. हाउ मच टाइम डज योर मदर टेक टू प्रिपेयर फूड. जिस तरीके से हमने हाउ मेनी टाइम्स बोला था हाउ ऑफन, उसी तरीके से हम हाउ मच टाइम बोल सकते हैं हाउ लॉन्ग. तो अब आपकी मदर को कितना समय लगता है खाना बनाने में? तो हाउ लॉन्ग डज योर मदर टेक टू प्रिपेयर फूड. आंसर दोगे माय मदर टेक्स इतना टाइम टू प्रिपेयर फूड. हाउ लॉन्ग डज योर मदर टेक टू प्रिपेयर फूड, यू कैन कमेंट बिलो एंड लेट मी नो. सर हाउ कैन वी से आपको कितना समय लगेगा यहाँ पहुंचने में? कोई व्यक्ति है वहां से आ रहा, कितना समय लगेगा आपको आने में? तो हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच हियर. How long will you take to reach here? कितना समय लगेगा आपको यहाँ पहुँचने में? How long will you take to reach here? आपको से मुझे 20 मिनट लगती हैं यहाँ आने में. मुझे 20 मिनट लगती हैं यहाँ पहुँचने में. अगर सेंटेंस आपका है आपको कितना समय लगता है? How long do you take? आंसर दोगे मुझे 20 मिनट लगती हैं यहाँ पहुँचने में. I take 20 minutes to reach here. Overall आंसर ये होगा I take जो टाइम लगाएंगे यहाँ पे I take इतना टाइम to action जो भी काम करते हैं हम. कितना समय लगता है एक कप चाय बनाने में? कितना समय लगता है इस काम को होने में? तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी.
हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू प्रिपेयर कप ऑफ टी, कितना समय लगता है कप चाय बनाने में या बनने में। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी, कितना समय लगता है। यू कैन लेट मी नो हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू प्रिपेयर कप ऑफ टी, प्लीज कमेंट बिलो एंड लेट मी नो। आपको कितना समय लगता है तैयार होने में, आपको कितना समय लगता है तैयार होने में, पार्टी में जा रहे हो कितना समय लगता है, अक्सर घर में ये सेंटेंस बोला जाता है। तो हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू गेट रेडी फॉर पार्टी, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू गेट रेडी फॉर पार्टी, यू कैन कमेंट बिलो एंड लेट मी नो। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू गेट रेडी फॉर पार्टी, प्लीज लेट मी नो नाउ। सो वी लर्न अबाउट हाउ लॉन्ग एंड हाउ ऑफन, नाउ वी हैव डिफरेंट वोकैबुलरी, आई एम गोइंग टू टेल यू वन वोकैबुलरी, द सेंटेंस इज कॉमनली यूज्ड इन योर लैंग्वेज, दैट इज उसने मुझे फोर्स किया पार्टी में रुकने के लिए। कॉमनली सेंटेंस बनाया जाता है ही फोर्स्ड मी टू स्टे इन पार्टी, करने को बोलते हैं हम लोग। अब किसी व्यक्ति को फोर्स कर रहे हो पार्टी में रुकने के लिए तो वो फोर्स बड़े पोलाइटली करोगे, फोर्स वर्ड को आप यूज ना ही करें तो अच्छा है, चाहे खराब के लिए है चाहे अच्छे के लिए। आप फोर्स का यूज कर सकते हो इंसिस्ट, इंसिस्ट ऑन पास्ट में हो जाएगा इंसिस्टेड, तो उसने मुझे फोर्स किया पार्टी में रुकने के लिए। ही इंसिस्टेड ऑन मी स्टेइंग इन पार्टी, He insisted on me staying in party. ऐसे आप सेंटेंस बनाएंगे stay, insist on. सर, how to say मेरा भाई मुझे force करता है इंग्लिश सीखने के लिए। मेरा भाई मुझे force करता है इंग्लिश सीखने के लिए, तो force क्या कराएंगे insist on. My brother insists on me. Third person है ऐसे लगेगा My brother insists on me learning English. My brother insists on me learning English. मेरा भाई मुझे force करता है इंग्लिश सीखने के लिए। What does your brother insist on you doing? Please let me know. आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते फाइन पे करने के लिए, कोई फाइन पे कर रहा है। यू कांट इंसिस्ट ऑन मी पेइंग फाइन, यू कांट इंसिस्ट ऑन मी पेइंग फाइन। इंसिस्ट ऑन के बाद ऑन हिम, ऑन हर, ऑन देम, ऑन यू, ये आएगा यहाँ पे। यू कांट इंसिस्ट ऑन मी पेइंग फाइन, एक्शन प्लस आईएनजी आप लगा देंगे, यू कांट इंसिस्ट ऑन मी पेइंग फाइन। इस तरह से आप वर्ड यूज कर सकते हो, कुछ सेंटेंस आप भी बना सकते हो और कमेंट कर सकते हो। इंसिस्ट ऑन मतलब ये किसी व्यक्ति को पोलाइटली फोर्स करते हैं, फोर्स करते हैं लेकिन उसमें हम पोलाइटनेस होती है काफी सारी और उसमें आपको सम्मान भी करते व्यक्ति का, तो इंसिस्ट होता है। ऐसे फोर्स करके बोलते हैं इंसिस्ट ऑन, तो आप यूज कर सकते हो। सो दिस इज हाउ, दिस इज सेवेंथ पार्ट ऑफ बेसिक टू एडवांस इंग्लिश एंड वी आर गोइंग टू लर्न दैट एंड प्लीज स्टे ट्यून विद अस। आपको भी आने वाले वीडियोज में कुछ और एडवांस सेंटेंस सीखने को मिलेंगे विच यू विल बी लर्निंग ग्रेजुअली, यू विल बी लर्निंग सम मोर सेंटेंसेस इन दिस इन अपकमिंग वीडियोज विच आर रियली इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, लाइक वुड हैव इफ passive, so many things I'll be teaching you basic advanced English. So never miss the videos, right? So English sikhne ke liye you'll learn English. Like, share and subscribe. Thank you.